ये तकरीबन 15 से 17 साल हो गए इस फ्लैटों को डालने के लिए और ये एमए फ्लैट है और 15 से 17 साल के अंदर ग्राम पंचायत की तरफ से इस कॉलोनी के अंदर कोई भी सुविधा नहीं है और सुविधा के ताल्लुक से कई मरतबा हम ग्राम पंचायत के अंदर, तहसील कार्यालय के अंदर, पंचायत समिति के अंदर कई मरतबा हमने निवेदन दिया और हमारे निवेदन देने के ऊपर पूरी तरह की जो है कार्रवाई नहीं हुई। और इस बारिश के मौसम की वजह से जो है बच्चों को स्कूल के अंदर जाने के लिए, मदरसे में जाने के लिए और अपने कारोबार की लाइन से बाहर निकलने के लिए दिक्कत होती है। कई रोज कई दिन तक के लोग जो है मजदूर लोग अपने घरों के अंदर बैठे रहते हैं और बहुत सारी तकलीफें यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पानी जमने की वजह से मच्छर और मलेरिया और कई तरह की बीमारियाँ यहाँ पे वजूद में आ गई है। और हम देख रहे हैं कि हमारे घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चे जो है 8-8 दिन 15-15 दिन हो गए वबाई बीमारियों के अंदर मतलब हुए रहे। तो हमसे हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे इस गांव के अंदर तकरीबन 17 साल हो गए हमारे इन प्लाटों को डालने के लिए और 17 साल के अंदर हमारे यहाँ पे कोई भी जमझे सुविधा नहीं हुई, तो इसके ऊपर जो है कोई कार्रवाई की जाए और जो भी ग्राम पंचायत की तरफ से हमारे इस एरिया के अंदर जैसे गटर है, नल है, रास्ते हैं, इसके लिए जो भी निधि आती वो निधि का इसी स्पॉट के ऊपर इस्तेमाल किया जाए, ना कि कोई दूसरी तरफ आलतू फालतू जगह लगा के। अर्जा कितना बार गई अर्जा? अर्जे कम से कम हमने 4 से 5 मरतबा ग्राम पंचायत में जाएंगे, उनकी हमारे पास में फोटो कापी भी है। बाबू साहब को हमने हम खुद जितने भी लोग खड़े हम खुद हमारे घर के समझो हमारे महल्ले की जितनी लेडीज है वो सब खुद होके जाके वहाँ पे ग्राम पंचायत के अंदर बाबू साहब को हमने निवेदन दिए, उन्होंने आके स्पॉट के ऊपर देखा भी और देखने के बाद में बस तसल्ली देके चले गए कि शायद ठीक है हम कर देंगे, लेकिन अभी तक की कोई भी सुविधा नहीं हुई यहाँ पे। इतने लोग यहाँ पे जैसा अपने जो पानी थम रहा है इसकी वजह कितने लोग बीमार पड़े हैं? बहुत बीमार के लोग, कम से कम दवाखाने जैन पड़े दवाखाने कितने भरे है ये है सरकारी हॉस्पिटल, उसके अंदर भी कई मरतबा हमने निवेदन दिए अर्जे दे कि तुम कम से कम तुम्हारी तरफ से ग्राम पंचायत के अंदर अर्जे करो तो वो कुछ करेंगे, लेकिन उनकी बात भी सुनती नहीं हो।